आज की रेसिपी है कबाब, पतीला कबाब, जो कि काफी टेस्टी और जूसी है। आप इसे चटनी के संग खाइए या रात के डिनर में पराठे के साथ खाइए, कैसे भी खाइए, आपकी मर्जी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में बेसन ले लेंगे। बेसन को पहले आपको भूनना है बिल्कुल स्लो आँच पे, जिससे कि काफ़ी टेस्टी बनेगा। अब हम एक जार ले लेंगे, इसमें अदरक, लहसुन, मिर्ची ये ज़रूर लेंगे हम, और साथ में कबाब चीनी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। कबाब चीनी यूज़ करनी है, इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बारीक। पानी का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत ही कम करना है। अब हमने कबाब ले लिए हैं, इसमें चॉप किया हुआ प्याज ऐड करेंगे, भुना हुआ बेसन ऐड करेंगे, और जो हमने मसाला ग्राइंड किया था वो ऐड करेंगे। नमक, कुटी हुई धनिया, भुना हुआ जीरा, हल्दी और लाल मिर्च कश्मीरी यूज़ करेंगे, और जैसा आपको स्पाइस पसंद है उस तरीके के आप मिर्च यूज़ कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से गूंदने के बाद इनकी गोल गोल टिक्कियां बना लें। इसी तरीके से पानी का यूज़ ज़रूर करें, जिससे कि क्रंची बनेंगे ये। इस तरीके से बनाते जाइए। मैंने इतने तैयार कर लिया, अब इसको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि आपको लोहे का बर्तन यूज़ करना, लाइक कढ़ाई और तवा। आप तवे पे पीस के टिक्कियाँ बना सकते हैं और कढ़ाई में भी बना सकते हैं। इसमें ज़रूर से सरसों का तेल ही यूज़ करें, किसी रिफाइंड का भी यूज़ ना करें। अब ये बन के तैयार है, देखिए काफ़ी गर्म है। अब इसे एक तड़का देना है हमें। अब सरसों का तेल लेंगे पतीले में, और इसमें प्याज कट करके कैसी भी शेप डाल सकते हैं, हरे मिर्च और टमाटर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, बिकॉज़ मेरे पास थोड़े ही थे तो इतने ही यूज़ किए हैं मैंने। आमचूर ऐड करेंगे इसके अंदर, और इन्हें अच्छे से थोड़ा हल्का सा बस रोस्ट करना है, बस थोड़ा सा सोटी टाइप का हो जाइए। उसके बाद कबाब को ऐड करेंगे इनमें। आप इसमें ऊपर से अभी भी चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी बन के तैयार है। मैं चटनी के संग सर्व करूँगी एज ए स्नैक्स। ऊपर से नींबू डाल दिया है, इससे और चटपटा ये हो जाएगा। अब गैस की फ्लेम को बस बंद कर देना नींबू डालने से पहले। अब इसे सर्व कीजिए चटनी के साथ, जैसे भी खाना है आपको, तरीका आपको पसंद जो भी हो। इस तरीके से मुझे एज ए स्नैक्स खाने हैं, काफ़ी टेस्टी बने हैं, जूसी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।